व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए यहाँ पर कितनी शानदार बात बोली गई है। आज की डेट में आप लोग एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर आप लोगों को कई तरीके के प्राणी मिलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग मान लीजिए फ्रूट चाट आप लोग बनाते हैं, तो फ्रूट चाट का मतलब है कि उसमें कम से कम 5 या 6 तरीके प्रकार के आप लोगों को फल उसमें डालने हैं, या फिर आप लोगों को बोले कि सब्जी आप लोगों को बनानी है तो नमक मिर्च मसाला हरा धनिया सब कुछ उसमें डालना पड़ेगा, जब जाकर आप लोगों को सब्जी का टेस्ट आएगा। पर लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे इंसानों को चाहते हैं जो कि हमेशा हमारे साथ में अच्छे रहें, जो कि हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली जिस यूनिवर्स में हम लोग रहते हैं वो हम लोग को वो लोग देता है जिसकी हम लोग को जरूरत है, यानी कि नीड है, यानी वो नहीं देता है जो हम लोग को चाहिए। यानी कि हम लोगों को एक ऐसा इंसान बनाया जाता है इस यूनिवर्स में लाने के बाद में, ताकि हर एक सिचुएशन से हम लोग वाकिफ हो सकें। कुछ लोग हमको हेल्प करेंगे, कुछ हमको हर्ट करेंगे, कुछ हमको छोड़कर जाएंगे, कोई हमसे प्यार करेंगे। तो इस तरीके से हर एक तरीका फ्लेवर आप लोगों को इस दुनिया में देखने को मिलेगा। तो जो भी फ्लेवर उस टाइम पर आप लोगों को मिल रहा है उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, और इंक्लूड करने के बाद में ये आप लोगों को एक इस तरीके का इंसान बनाएगा कि आने वाले टाइम में आप लोग बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जिसको आप लोग हैंडल कर पाएंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आप लोग अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। तो जिसको आप लोग बुरा बोलते हैं उस टाइम पर वो आप लोगों को बुरा लगता है, पर लेकिन जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा मिलने वाला है। तो इसलिए हमेशा हर एक कंडीशन सिचुएशन में आप लोगों को अपने आप को कंफर्टेबल रखने की कोशिश करनी है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इससे भी जो कि आज के डेट में बुरा हो रहा है। ओके, आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यह है सेंट पियरे एंड मिकलोन। जाकर मैप पे निहारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकेशन जरूर देखा कीजिए ढंग से जिस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोगों को बोला जाता है। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है ये क्विज जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा गया था, इसका आंसर देखेंगे। ये आप लोगों को एक तरीके से रिविजन भी कराएगा। दिसंबर के महीने में 2018 में पोलैंड में क्लाइमेट से रिलेटेड जो समिट हुई वो पोलैंड में हुई थी, जिसमें हमारी कंट्री को अप्रिशिएट किया गया था कि इंडिया काफी अच्छा कर रहा है क्लाइमेट चेंज के फील्ड में। यानी कि जो 175 गीगावाट का हम लोगों का टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2020-2022 तक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी बातें हम लोगों को अप्रिशिएट किया गया। पर लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम लोग जाते हैं, 2019 फरवरी के महीने में कोस्टल रेवोल्यूशन जोन को लेकर हम लोगों ने काफी ऐसी गाइडलाइन थी जिनको हम लोगों ने ढीला कर दिया। इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, जो कि लगभग 7500 यानी कि 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्टल लाइन है जिसमें 9 स्टेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो आने वाले टाइम में और बड़ा खतरा लेकर आएंगे। एक साइड में तो हम लोग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, दूसरी साइड में हम लोग क्लाइमेट को बर्बाद करने के तरीके भी आसान बनाते जा रहे हैं। तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। अगर बात करें नागालैंड पीस अकॉर्ड के बारे में, तो ये अगस्त 2015 में साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहां पर ये है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो इनका आप लोग याद रखते हैं ताकि इंसर्जेंसी को उस पर्टिकुलर एरिया में कंट्रोल किया जा सके, वो जो भी उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उस एरिया में उनको कंट्रोल किया जा सके। बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्केवेंजर एंड देयर रिहेबिलेशन एक्ट 2013। ये वो एक्ट है जिसमें प्रोबिट करता है कि लोगों को गटर के अंदर जाकर सफाई नहीं करनी है, मशीन से सफाई करो, और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको रिहेबिलेट करो, यानी कि उनको कोई काम धंधा दो। अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो उसको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी और लगभग 2 लाख रुपए या फिर दोनों पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। जम्मू और कश्मीर का जो संविधान है वो 1957 यानी कि 1957 में पिक्चर में आया था। सरकारिया कमीशन के द्वारा ये बोला गया था कि देखिए हर एक एक्शन अगर बोला जाए कि हाँ हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो संविधान के हिसाब से सही हो, पर लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि वो रियलिटी में सही काम नहीं होता है। मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था प्रेसिडेंट रूल का। कई बार सेंटर में कोई और गवर्नमेंट होती है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट होती है। लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो आप लोग प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, पर क्या रियली में वो प्रेसिडेंट रूल लगाने लायक वहां पर था सिस्टम? तो ये कई बार एक क्वेश्चन मार्क लगाता है इस तरीके की एक्टिविटीज पे जो स्टेप यहां पर उठाए जाते हैं। इसी के साथ में मिशन शक्ति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके ऊपर आज डिटेल में एक आर्टिकल है, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। चौथे नंबर की हमारी कंट्री बन गई है मिशन शक्ति के बाद में, जो कि यहां पर स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, पर लेकिन इसके ऊपर भी कई सारे सवाल या जवाब उठा दिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये मिशन अभी लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर क्या क्या कंडीशन बनी, काफी डिटेल में देखेंगे आर्टिकल को। इसके अलावा काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है न्यूज़पेपर में, पर लेकिन अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट भी रह सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पर भी यहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जो ये फर्स्ट आर्टिकल है यहां पर, ये स्पेस पावर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मिशन शक्ति। देखेंगे क्या क्या बातें यहां पर डिस्कस की गई है, अच्छे से इसके ऊपर नजर डालेंगे। इसराइल अभी जो यूएसए के द्वारा बोला गया है कि जो गोलान हाइट है वो इसराइल का पार्ट है,
तो क्या ये सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट बनाता है या फिर सोल्यूशन निकालता है? नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर। ये बात कर रहा है कि अर्बन इंप्लॉयमेंट, यानी कि गांव में तो कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं खेती कर लेते हैं, किसी न किसी काम में लोग लगे ही रहते हैं, पर लेकिन अगर अर्बन वाले एरिया यानी कि शहर वाले एरिया की बात करें, अगर उनके पास में जॉब नहीं है तो उनकी रोजी रोटी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। किस तरीके से कंडीशन सुधरेगी उसी के बारे में एक पूरा डिटेल में एनालिसिस किया गया कि कैसे हम लोग अर्बन वाले एरिया में जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं और उसका फायदा क्या होने वाली है हमारी इकोनॉमी को और हमारी कंट्री को। डिटेल में शानदार आर्टिकल है, अच्छे से इसके ऊपर नजर डालेंगे। यहां पर बात किया जा रहा है कि अगर पहले के प्राइम मिनिस्टर के कंपेयर में हम लोग मोदी जी को कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में, ज्यादा कनेक्ट रहते हैं लोगों के साथ में एज कंपेयर टू जो पहले प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में हुए हैं उनके कंपेयर में। पर लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बात करने वाले मुद्दे होते हैं उन पे ये बात नहीं करते हैं। लोगों से बात तो करते हैं पर लेकिन जो बात करने वाले मुद्दे होते हैं यानी कि जॉब ग्रोथ हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है उसके ऊपर ये साइलेंट है। ऐसे ऐसे उदाहरण इनके द्वारा दिए गए कि हाँ आज के डेट में जिसका काफी मजाक भी उड़ाया गया कि पकौड़े तलने वाले भी जॉब मिल रही है, यानी कि लोगों की एक तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब है उनको कम करते हुए जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को आप लोग ले दो, जब से 2014 से गवर्नमेंट आई है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन जिसलिए किया था, इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हुआ उसके बारे में कभी कोई बात नहीं की गई है। मॉब लिंचिंग जो कि बहुत बड़ा रीजन बन गया था सोसाइटी में, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाला था, बहुत कम उसके बारे में इनके द्वारा बोला गया। तो ये इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे यहां पर बता रहे हैं। लोगों से बात तो करते हैं पर लेकिन जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर ये मैक्सिमम साइलेंट देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ यहां पर राइटर के द्वारा बोला जा रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे बारे में क्या सोचा जाता है उसका एक छोटा सा एनालिसिस किया गया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है अपोजिशन और आज के डेट में जो गवर्नमेंट है उसको लेकर मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड मुद्दा है। आने वाले टाइम में और भी कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल नहीं है। बाकी जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है गरीबी हटाओ के बारे में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बोला गया था कि गरीबी हटाएंगे, अब फिर से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं गरीबी हटाओ 2.0, यानी कि ये बोल रहे हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। पर लेकिन कैसे, आप लोगों के पास में कोई प्लान तो है नहीं, बोल दिया बस इलेक्शन की वोट लेने के लिए। जिस तरीके से बीजेपी हरकतें कर रही है उस तरीके से कांग्रेस हरकतें कर रही है। पूरा मुद्दा दोनों पार्टी का यह है कि किस तरीके से वोट बैंक बटोरा जाए, यानी कि प्लान है नहीं, बस अनाउंस कर दिया, बस ये देखना है कि कैसे इस तरीके से अपने आप को एक तरीके से वोट बैंक अपनी झोली में डाल सकें, ये पूरा मुद्दा यहां पर रहता है। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक शानदार आर्टिकल के साथ में। आर्टिकल ये है कि हमारी कंट्री की डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल लॉन्च की गई, उस मिसाइल के द्वारा एक इसरो का सैटेलाइट यानी कि हमारी ही कंट्री का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया गया। फायदा क्या होता है इससे, फायदा ये होता है कि अगर कल को किसी कंट्री के साथ में वॉरफेयर हो रही है, हमारी कंट्री के सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो हम भी उस कंट्री के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी हमारे पास में होगी। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज प्रोजेक्ट होते हैं, अगर जरा सा भी चूक हुई तो किसी दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को तोड़ देगा जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, और एक अलग तरीके का वॉरफेयर यहां पर स्टार्ट हो सकता है। हजारों लाखों आज के डेट में सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पृथ्वी के चारों ओर है, कोई किसी तरीके का सैटेलाइट है तो कोई किसी तरीके का, कोई लो ऑर्बिट है, कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, तो कोई ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिनको आप लोग बोलते हैं, पृथ्वी के पास वाले एरिया में होते हैं मैक्सिमम, ये 600 से 700 किलोमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिनको आप लोग बोलते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन क्यों ना हो, चाहे मिलिट्री कम्युनिकेशन हो चाहे नॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वो सैटेलाइट की जो डिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर तक की रेंज तक भी वो सैटेलाइट पाए जाते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग कंट्रीज के द्वारा छोड़े गए हैं अपनी कंट्री की कनेक्टिविटी, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को जानने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आज के डेट में एक स्पेस फील्ड आज के डेट में हर एक कंट्री का हो चुका है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। अभी हमारी कंट्री के द्वारा क्या किया गया है, एक मिसाइल लॉन्च की गई, उस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद में हम लोगों ने एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जो कि हमारी ही कंट्री का सैटेलाइट था। इससे हम लोगों ने ये चेक किया कि क्या हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो हाँ हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है और डीआरडीओ ने ये कर दिखाया। डीआरडीओ ने 2011 में सोचा था ऐसा कुछ करने के लिए, पर लेकिन उस टाइम पर हम लोग प्रिपेयर नहीं थे प्रॉपर वे में, तो तब से यहां पर इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम चल रहे थे। तो मिशन शक्ति जो एंटी सैटेलाइट जो मिशन टेस्ट यहां पर किया गया है, इसमें जो हम लोग सक्सेसफुल हो पाए तो लो अर्थ ऑर्बिट था यहां पर, यानी कि लगभग 600 से 700 किलोमीटर की बात यहां पर की जा रही है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर काम किया गया। पर लेकिन घुमा फिरा के यहां पर जो बात आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि क्या जो हम लोगों ने ये किया है आने वाले टाइम में ये डिटरेंस क्रिएट करेगा, यानी कि जिस तरीके से तीन कंट्री है हमसे ऊपर, रशिया चाइना और यूएसए, तीन कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी है और चौथी कंट्री हमारी हो गई है। तो कहने का मतलब तो ये हो गया एक तरीके से कि हमारे पास में एक पावर आ गई है जो कि एक ऐसे ग्रुप में हम लोगों को ले जाकर रख दे रही है जो कि एक बड़ा ही इलीट ग्रुप है, एक डिफरेंट ग्रुप है जो कि ओनली 4 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो ये गर्व की बात है अगर ऐसे देखा जाए तो।
पर लेकिन दूसरी साइड में यह भी देखने वाली बात है कि क्या यह डिटरेंस क्रिएट करेगा। डिटरेंस का क्या मतलब होता है, आप लोग सड़क पर जा रहे हैं, आप लोगों के हाथ में बंदूक है, सामने कोई लोग मिल गए आपको लूटना चाहते हैं, उनको पता आप लोगों के हाथ में बंदूक है तो वो सोचेंगे कि रहने दो यार, ये बंदा अगर हम लोग इसको गोली मारेंगे तो मरता मरता एक दो को तो हमको भी मार के चला जाएगा, तो क्या करेंगे आराम से निकल जाएंगे। पर लेकिन अगर आपके पास में बंदूक नहीं तो क्या होगा, वो आसानी से आप लोगों को शांति में लूट कर जाएंगे। तो डिटरेंस का मतलब ये होता है कि अपने बचाव के लिए कुछ चीजें रखना। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास में, पाकिस्तान के पास में भी है, पाकिस्तान के ऊपर हम लोग इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास में भी है, वो हमारे ऊपर नहीं छोड़ता क्योंकि हमारे पास में भी है। नॉर्थ कोरिया यूएसए का शानदार उदाहरण है, यूएसए और नॉर्थ कोरिया, यूएसए इतनी बड़ी पावर है उसको पता है कि जरा सी देर में नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर लेकिन रुका हुआ किस लिए, क्योंकि उसको पता है नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है। यही फंडा अगर देखा जाए पास्ट में, लीबिया की बात की जाए तो वहां पर, ईरान की बात की जाए तो यूएसए अंदर घुसकर काम कर चला गया, कहीं डिटरेंस ही नहीं था उनके पास में कोई। तो ये कंडीशन आप लोग इसको इस तरीके समझ सकते हो, क्या ये डिटरेंस क्रिएट करेगा तो ये देखने वाली बात होगी, या फिर एक स्पेस में यहां पर एक लड़ाई और छेड़ देगा कि हाँ इनके पास हो गए तो पाकिस्तान सोचे हमारे पास भी हो, आसपास वाली कंट्री सोचे हमारे पास भी हो, तो ये इस तरीके से होगा या फिर एक डिटरेंस क्रिएट करने का काम करेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। यानी कि जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान की बात करें, चाइना के पास करें, तो चाइना के पास में तो है, अगर पाकिस्तान भी बोलने लगे हमारे पास से भी होना चाहिए तो फिर ये एक अलग तरीके का मुद्दा यहां पर निकल के आता है। चाइना के पास में है यहां पर, ये हम लोगों ने अभी देखा डिटरेंस क्रिएट करने की बात हम लोगों ने अभी जानी, तो ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, डिटरेंस क्रिएट करेगा ये अलग है, या फिर स्पेस में वेपनाइजेशन को और ज्यादा स्टार्ट करेगा, यानी कि स्पेस में लोग सोचेंगे कि हम लोगों के पास में भी वेपन होना चाहिए। जैसे कि यूएसए ने अभी क्या किया है, स्पेस फोर्स बनाने की बात की है। अगर यूएसए स्पेस फोर्स बनाने की बात करता है तो इसका सीधा सीधा मुद्दा ये निकल के आता है कि क्या और दूसरी कंट्री के पास में भी यहां पर इस तरीके से फोर्स होनी चाहिए स्पेस के लिए। तो यानी कि यूएसए के पास में अगर बन जा रही है, चाइना भी सोचेगा, रशिया भी सोचेगा, आने वाले टाइम में इंडिया भी सोचेगा, तो ये एक अलग तरीके की रेस यहां पर लग जाती है कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पता चलता है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, यानी कि उस टाइम पर तो हम लोग बोल देते हैं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर लेकिन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो डिसीजन होता है वो आने टाइम पे पता चलता है कि इंप्लीमेंट कैसे आप लोगों ने किया है, कि वो किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है। आगे एक और काफी इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लोग ये इंप्लीमेंट इस तरीके से हम लोग इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये साफ साफ दिख रहा था कि ये एक तरीके से इग्नोर करने के लिए था, कोई वॉर के लिए नहीं था ये कि हम लोग को वॉर के साथ में इंडल्ज करना है, ये पीस के लिए था। ठीक है, ये तो यहां पर देखने को मिला, यानी कि पीस मेंटेन रखना है, हम लोगों को किसी के साथ में लड़ाई नहीं करनी है। टारगेट किया गया यहां पर लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट था उसको हम लोगों ने, तो ये इस तरीके से जो हम लोगों ने ये काम किया है, कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी कंसर्न का इश्यू है, क्योंकि बहुत सारी डिब्री जो आपकी डेट में आप लोगों को कचरा देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे भी सैटेलाइट हैं जो कि काम करना बंद कर चुके हैं पर लेकिन स्पेस में घूम रहे हैं आज की डेट में, तो ये भी कई बार मुद्दा निकल के आता है कि कैसे इस सैटेलाइट को हटाना है, क्योंकि अगर इसी स्पीड से सैटेलाइट बनते रहे तो कुछ टाइम में एक ऐसा जाल पूर देंगे पृथ्वी के चारों ओर कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में भी कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम होने लगेगी अगर ये इसी लेवल पर हम लोग सैटेलाइट छोड़ते रहे। तो कई बार स्पेस से जो डिब्रीज है उसको भी हटाने की बात की जाती है, ये एक अलग मुद्दा है। अब ये तो हो गया जो हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में जाना, अब जानते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में पावर थी ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। रीजन क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए जाने के बाद में कोई भी बड़े मैटर प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकते यहां पर, क्योंकि कहने के प्राइम मिनिस्टर हैं यहां पर आज की डेट में, ये रियल में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ओनली एक तरीके से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपकी डेट में आप इनको बोल सकते हैं। तो क्या ऐसे टाइम पर ये इस डिसीजन लेने के कैपेबल थे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये है, इन्होंने क्या किया, ये गए यहां पर मीडिया में और मीडिया में जाकर जिस तरीके से इन्होंने पूरी स्पीच दी है वो ना तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है और ना ही यहां पर दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जिस तरीके से परमिशन लेनी चाहिए थी यहां पर अपने पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि आज के डेट में ये इलेक्शन के जोन में है, ये अपनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो क्या मिशन शक्ति ये स्पेस में ज्यादा इंपैक्ट डालेगा या फिर ग्राउंड लेवल पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा यहां पर, यानी कि वोट जिताने में ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है यहां पर, यानी कि डोमेस्टिक जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें ज्यादा वोट मिलेगी या फिर स्पेस में फायदा करेगा, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्राइडे यानी कि आज शाम तक यहां पर इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन यहां पर किया गया है, क्योंकि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज की डेट में वो ऐसे डिसीजन यहां पर बिना इलेक्शन कमीशन के पूछे नहीं ले सकते थे और इलेक्शन कमीशन से इन्होंने पूछा नहीं है, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन गया है। यानी कि 2011 से आप लोग इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा
चिराग आप लोगों ने खींच दिया कि इलेक्शन से बस 10-15 दिन पहले आप लोगों को याद आ रहा है कि हम लोग को ये लॉन्च करना है, आखिर बाद में क्यों नहीं लॉन्च किया गया ये, या फिर कुछ दिनों पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा है उससे पहले क्यों आप लोगों ने लॉन्च नहीं किया है आप लोगों ने। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर चाहते क्या हो, यानी कि कहने का मतलब यह पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में या फिर आपके हाथ में है। इसका मतलब तो ये हो गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रहा है उन पार्टीज को जिनके हाथ में पावर नहीं है, आप लोग मिस यूज कर रहे हैं पावर का, ये डेमोक्रेसी के लिए गलत बात है। तो ये काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना बयान देगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है, तो उस टाइम पर हम लोग को ये जानने को मिलेगा। ओके, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए? 2011 से 2019 में खड़े हैं, आज तक लॉन्च नहीं किया, इतना लेट हो गया, तो क्या और 1-1.5 महीने लेट नहीं किया जा सकता? जो भी गवर्नमेंट यहां पर चुनकर आती वो इस प्रोजेक्ट को कर लेती कंप्लीट, या फिर थोड़े से पहले कर लेते? तो ये तमाम मुद्दे यहां पर आर्टिकल भी पूछ रहा है और ये मीडिया में भी काफी आज के भी मुद्दे चल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है गोलन हाइट के बारे में। गोलन हाइट को देखने से पहले आप लोग इसकी लोकेशन देखिए हमारी कंट्री कंपेयर में, हमारा प्यारा भारत हो गया बीचों बीच, थोड़ा इसको जूम करके चलेंगे तो यहां पर आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। ये हो गया यहां पर सीरिया और ये हो गया इसराइल, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहां पर, ये हो गया यहां पर सीरिया और ये हो गया यहां पर इसराइल। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। तो जो गोलन हाइट था वो सीरिया का पार्ट था, पर लेकिन इसराइल के द्वारा हथिया लिया गया, और ये जेरूसलम है ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर वेस्ट बैंक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो लेक्चर में आप लोगों के सामने आने वाले हैं। गाजा स्ट्रिप हो गया, ये यहां पर वेस्ट बैंक हो गया, तल अवीव एक ऐसा एरिया है जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है हर एक कंट्री की मैक्सिमम की एम्बेसी यहां पर है, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एम्बेसी जेरूसलम में यहां पर ट्रांसफर कर दी, ये भी काफी बड़ा मुद्दा था क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, पर हमारी एम्बेसी वो तल अवीव में ही है। बात करते हैं इसराइल की और गोलन हाइट के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं तो ये एरिया किसका था, ये सीरिया का था, पर लेकिन इसराइल ने इसको हड़प लिया, तो एक तरीके से मुद्दा जो था ये काफी लंबे समय से चला हुआ था, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक अलग ही रंग दे दिया यहां पर। तो एग्जैक्ट जो लोकेशन यहां पर ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया वेस्ट बैंक, ये हो गया यहां पर गोलन हाइट, और गोलन हाइट को यहां पर जूम कर दिखाया जा रहा है, ठीक है। गैलीली ये यहां पर सी है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि कहां पर ये पड़ता है। नॉर्मली अगर इसके बारे में पूछा जाए तो एक तरीके से सीरिया और इसराइल के बीच में, पर लेकिन अगर गोलन हाइट को इसराइल अपना पार्ट मानता है तो फिर ये इसराइल के अंदर आ जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या बात आर्टिकल में की जा रही है, ये लोकेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले। बोला जा रहा है कि जिस तरीके का काम इनके द्वारा करा गया है ये काफी खतरनाक मिसाल है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, कि ऐसा एक तरीके से जो एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जो कि ये सोचते ही नहीं है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पर, उनको ये सोचना है कि हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और हमारे सहयोगी जो जिसको ये एक तरीके से लुभाना चाहते हैं और साथ में रखना चाहते हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक बैड फेथ में ये काम किया गया है, यानी कि इसके पीछे जो इंटेंशन थी वो अच्छी नहीं थी, कि इसराइल को बोल दिया गया कि गोलन हाइट आपका पार्ट है। आज तक इसराइल ने खुद नहीं बोला प्रॉपर में कि गोलन हाइट हमारा पार्ट है। हां, इसके बाद में बार बार में इसराइल के भी अगर देखा जाए और यूएसए के भी जो डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए बात याद आती कि ऑक्युपाइड एरिया है, ये नहीं बोला था कि हमारा एरिया है, ये बोला जाता था कि ऑक्युपाइड एरिया है, पर लेकिन ऑक्युपाइड एरिया की भी डेफिनेशन चेंज करके बोल दिया गया सोवरन एरिया है गोलन हाइट इसराइल का। सोवरन का मतलब इसराइल का हक है और किसी का हक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये बातें बोली गई है तो ये देखिए सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई आज की डेट में ऐसा इंसान बोले जिससे सरप्राइज हो सकता था, यानी कि बराक ओबामा कोई ऐसा बोलते तो सरप्राइज होता कि यार ये अपनी जिस तरीके का इंसान है उसके अपोजिट में जाकर बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये सरप्राइज वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी हरकतें कर सकते हैं और वो कर रहे हैं ऐसी हरकतें। तो जो प्रो इसराइल यहां पर स्टैंड इनका है वो पहले से ही है, जिस तरीके से बराक ओबामा के टाइम पर आप लोगों ने उस टाइम पर अगर लेक्चर आप लोग सुन रहे थे तो मैंने उस टाइम पर बताया था कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसमें बराक ओबामा ने इसराइल को सपोर्ट करना बंद कर दिया था और रिलेशन काफी खराब होते हुए नजर आ रहे थे, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फिर से हाई पर पहुंचा दिया, अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया ऐसे ऐसे स्टेप उठाकर। अभी कुछ दिनों पहले यहां पर देखा गया कि पैलेस्तीन और इसराइल के बीच में जो यहां पर रस्साकसी चल रही है काफी लंबे समय से, उसके बीच में मीडिएशन करने की बात की गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे, पर लेकिन सॉल्यूशन भी निकालने वाली बात किसके द्वारा की गई कि जो हमेशा से इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये भी एक अलग ही मुद्दा निकल कर आया। जेरूसलम जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है काफी लंबे समय से, कुछ पार्ट इसका 1948 में और कुछ 1967 में इसराइल के द्वारा हथियाया गया और ये इसराइल को बोल ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये इसराइल की कैपिटल है, तो ये एक अलग मुद्दा निकल कर आया, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं वो अगर इसी बातें को भी बोल रहे हैं तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होगी, यानी कि वो ऐसे बातें बोलने के माहिर हैं, ऐसी बात वो हमेशा से बोलते रहते हैं।
अब इसी के साथ में जो बात करें यहाँ पर फेलस्तीन के बारे में, फेलस्तीन के बारे में बात करें तो इसराइल और फेलस्तीन के बारे में पुराना एक तरीके से मुद्दा उठा रहता है। तो गाजा और जो वेस्ट बैंक हो गया, दो पोर्शन यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बोला ये गाजा स्ट्रिप हो गया और ये वेस्ट बैंक हो गया, आखिर ये क्या सोच रहे हैं? सोच के भी कर लेंगे क्या? आज तक कुछ नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि इनके हाथ में इतनी पावर नहीं है जितनी पावर इसराइल के हाथ में है। देखिए गोलन हाइट तो इन्होंने छीन लिया एक तरीके से सीरिया से 1967 के वॉर के टाइम पे, और ये काफी स्ट्रेटजिकली भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैंने गैलिली सी के बारे में भी बात की आप लोगों के सामने। तो गोलन हाइट कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अच्छा एरिया इसको प्रोवाइड कराता है, अलग से कनेक्टिविटी की बात करता है तो ये देखने को मिलता है। पर लेकिन देखिए जो यहां पर जिसके पास में पावर नहीं थी उसका तो इन्होंने पोर्शन अपने आप रख लिया। इजिप्ट के पास में पावर थी तो इजिप्ट की जो इन्होंने टेरिटरी थी वो रिटर्न कर दी, यानी कि इजिप्ट के हाथ में पावर थी तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला था, लोकेशन एक बार आप लोग देखिए किस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, थोड़ा सा इसको ये अभी देखिए आप लोग थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, और ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ये जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, ये पेनिनसुला के तौर पर ये ऐसा बना हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला एरिया इन्होंने यहाँ पर इनको रिटर्न कर दिया। यानी कि जो दिखता था कि इजिप्ट वाले की बात करें अगर यहाँ पर, तो इजिप्ट क्या कर सकता था यहाँ पर, एक तरीके से अच्छे लेवल पर इनके सामने स्टैंड कर सकता था, तो इसका इन्होंने रिटर्न कर दिया। पर लेकिन इसराइल की अगर बात करें खासकर सीरिया के सामने, तो सीरिया में इतनी ताकत नहीं है, वो खुद ही ग्रह युद्ध में झोंक रखा है उसको, तो उसके पास में इतनी पावर नहीं है, तो उसका पोर्शन इन्होंने रख लिया। और आगे चल के इसी के बारे में ला भी बनाई 1981 में इनके द्वारा कि हाँ ये हमारा पार्ट है, अब यहाँ पर जो ला इनके द्वारा इम्पोज किया जाए यही एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑक्यूपाइड यहाँ पर इसको कर रहे हैं, तो यानी कि एक तरीके सीरिया का जो यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल खत्म है, ये काम किया जा रहा है इसराइल के द्वारा। पर लेकिन अगर यहाँ पर लोगों की बात करें तो वो सीरिया को सपोर्ट करते हैं, ना कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। इसी बात करें इस तरीके से इन्होंने ईस्टर्न जेरूसलम और गोलान हाइट दोनों यहाँ पर ऑक्यूपाई किए गए, खासकर कुछ नहीं कर पाए। अगर बात करें वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इसके सामने कुछ नहीं बोल पाए जो कि फेलस्तीन का पार्ट है। जिस तरीके से बोला गया 1970s में सीरिया की बात की जाए तो ना तो उसके पास में मिलिट्री पावर है और ना ही इंटरनेशनल कोई ज्यादा अच्छी सपोर्ट है, इसीलिए इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर लेकिन इजिप्ट में अपना पेनिनसुला था, जो सिनाई पेनिनसुला, उसको रिटर्न ले लिया। तो बशर अल असद के हाथ में कुछ नहीं है, और ऊपर से अगर बात करें यहां पर ओबामा के टाइम पर तो ये सोच रहे थे कि कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए क्योंकि ओबामा सपोर्ट कर रहे थे, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा है और ये कंप्लीटली फेल हो चुके हैं कि सॉल्यूशन भी इसका कोई निकाला जा सकता है क्या, क्योंकि यहां पर सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है जरा सा भी डोनाल्ड ट्रंप की साइड से। और इसी के साथ में अपनी खुद की कंट्री की हालत भी इतनी खस्ता है कि काफी लंबे समय से 2011 के लगभग से ये आज के डेट में सिविल वॉर यहाँ पर चल रही है, यानी कि गृह युद्ध चल रहा है अंदर ही अंदर, और अलग अलग कंट्री भी यहाँ पर आज के डेट प्रेजेंस है, अलग अलग कंट्री, रसिया, यूएसए, अलग अलग यूके की कंट्री भी आप लोगों को देखने को, वो यूरोप की कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में जो कंडीशन है वो काफी खतरनाक है, और अरब वर्ल्ड खासकर वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर नहीं ले पा रहा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया या यूएई, वो यूएसए के काफी अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से चलते हुए जो यूएसए ऐसे डिसीजन ले रहा है खासकर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में अपनी टांग अड़ा रहा है, तो ये जो ऐसी चीजें हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को काफी खराब कर रहे हैं। इंटरनेशनल जो एक तरीके से सोवरन एरिया किसी और का है, वो किसी और को आकर पकड़ा दे रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात होगी, बहुत लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगी आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, खासकर मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के बेस पर ऐसे डिसीजन यहां पर ले लिए जा रहे हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी अच्छी है, हमारे पास में मिलिट्री पावर है, तो हम ये करेंगे, यही सही है, जिसको जो करना है वो कर ले। और इसी के साथ में उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है जो यहाँ पर रहते हैं, द्रुज पॉपुलेशन, ये एक तरीके की पॉपुलेशन है जो कि गोलन हाइट में रहती है और ये सपोर्ट करती है किसको, सीरिया को लिए, सीरिया के लिए, ये यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट ही नहीं करती है, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, वो एक तरीके से इसराइल के अंडर में आ गई है और इसराइल उनको ऐसे रखेगा जिस तरीके से उनके दास हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, एरिया तो यहाँ पर कंट्रोल में आ गया, पर लेकिन लोकल जनता ऐसा कुछ चाहती नहीं है और ना ही यहाँ पर सीरिया ऐसा कुछ चाहता है, पर लेकिन पावर है इसके हाथ में, इसराइल के हाथ में, तो जबरदस्ती में ये काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए इस तरीके से अगर यूएसए चाहता तो यहाँ पर मीडिएशन कर सकता था, सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता, सेटलमेंट यहाँ पर किया जा सकता था कॉन्फ्लिक्ट का, पर लेकिन ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एंट्री की है, और आने वाले टाइम में पीस आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सकता है, जिस तरीके से सलम को कैपिटल बताकर तल अवीव की जगह इन्होंने ये कंडीशन और खराब की थी, इसी तरीके से गोलन हाइट को इजराइल की पार्ट बताकर ये कंडीशन इन्होंने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो आने वाले टाइम में क्या ये पर्टिकुलर एरिया शांत रहेगा या नहीं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है।
नेक्स्ट आर्टिकल पर नजर डालते हैं, यह है अर्बन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि शहर वाले जो एरिया है उनमें किस तरह का एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसकी बात कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि अगर शहर वाले एरिया में हम लोग इंप्लॉयमेंट ढंग से जनरेट कर पाते हैं तो ये काफी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा। जॉब क्राइसिस देखने को मिला अभी, ये NSSO के द्वारा यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा एक रिपोर्ट लाई गई जो कि डेटा लीक हुआ जिसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें बोला गया 45 साल का सबसे ज्यादा लोएस्ट जॉब ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में, यानी कि जॉब ग्रोथ नहीं हुआ। ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिली, जिसके तहत यहाँ पर कई सारी जो सिटीज है और टाउन है उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पर पहुंच चुका है। इसी के साथ में लो वेज मिल रही है, यानी कि जितनी वेज मिलनी चाहिए लोगों को उतनी वेज नहीं मिल रही है। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर ये है, जो रोजगार है वो भी सुरक्षित नहीं है, उसके भी जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लोग सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। अगर देखें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि एक तरीके से ऐसा काम है जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है। अर्बन वाले एरिया में जो जॉब क्राइसिस है वो एक तरीके से इग्नोर भी किया जा रहा है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर पहुंच चुका है। तो बोथ सेंटर और स्टेट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिटीज हैं, खासकर अगर टाउन और सिटीज की बात करें, वो हमारी कंट्री में इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकता है ढंग से, अगर उनको ढंग से हैंडल कर चला जाए तो। यानी कि कहने का मतलब यह, जैसे हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि लगभग 60% से ज्यादा जो यहाँ पर GDP ग्रोथ निकल कर आता है वो सिटीज से निकल कर आता है, पर लेकिन 1% भी हम लोग उनके डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि जब तक आप लोग इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट कैसे निकल के आएगा। अगर बात करें यहाँ पर स्वर्ण जयंती, यहाँ पर यह है शहरी रोजगार योजना, 1997 में स्टार्ट की गई थी, शहरी मतलब शहर में यानी कि अर्बन वाले एरिया में किस तरीके से इंप्लॉयमेंट ग्रोथ हम लोग दे सकते हैं, खासकर स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी। ये तो स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए फोकस देकर चला गया था, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कोई अगर खुद का व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए यहां पर बात की गई थी, पर लेकिन इसी के साथ में हम लोगों ने जो छोटे छोटे टाउन है स्मॉल और मीडियम उनको इग्नोर कर दिया। अगर हम लोग माने 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि 4041 सिटीज या फिर टाउन है छोटे छोटे जो कि अर्बन लोकल बॉडीज के कंट्रोल में आते हैं, म्यूनसिपैलिटी के कंट्रोल में आते हैं या फिर नगर पंचायत आप लोग इनको बोल सकते हैं, पर लेकिन इनको कोई ढंग से देखकर नहीं चल रहा है। स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन जो कि हमारी कंट्री में बोला जाता है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, जिसको अमृत भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम लेवल पर जो छोटे छोटे टाउन है और सिटीज हैं उनको फायदा पहुंचा रहा है, वो भी उनको इग्नोर कर रहा है। इसी के साथ में इनके पास में फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और ह्यूमन की वर्क फोर्स भी नहीं है इनके पास में, ताकि जो सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके। यानी कि ये एक ऐसे एरिया है जिनको हम लोग ढंग से हैंडल कर नहीं चल रहे हैं। अगर ढंग से हैंडल कर चला जाए तो ये रोजगार यहां पर इतना ज्यादा निकल कर आ सकता है और ये इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी। जो अर्बेनाइजेशन हो रहा है आज के डेट में, पता नहीं कहां पर कौन सी बिल्डिंग लाकर खड़ी कर दी जाती है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलते हैं, जो शहरों में खासकर नाले होते हैं वो भरे हुए हैं, उसकी वजह से और प्रॉब्लम निकल कर आती है, पानी की फैसिलिटी अच्छी है नहीं है। तो ये इस तरीके के काफी चैलेंजेस आज के डेट में सिटीज के सामने निकल कर आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके लिए आप लोगों को कई सारे स्टेप उठाने पड़ेंगे, खासकर फोकस देकर चलना पड़ेगा जो छोटे और मीडियम टाउन है। इंप्लॉयमेंट क्राइसिस आज के डेट में बहुत लार्ज स्केल पर पहुंच चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की, तो आप लोगों को कुछ ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस पड़ेगी जो कि अर्बन एरिया पर ही फोकस देकर चले, वहां पर जॉब ग्रोथ प्रोवाइड कराए। अंडर इंप्लॉयमेंट और यहां पर जो अनइंप्लॉयमेंट है, दोनों पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डिग्री अच्छी है पर लेकिन प्योन की नौकरी कर रहे हैं, प्योन की नौकरी तो 10 और 12वीं की क्लास के बाद भी की जा सकती है, पर लेकिन PhD कर भी प्योन की नौकरी कर रहे हैं तो यह भी सही बात नहीं है। अंडर इंप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट टाउन को इंप्रूव करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को बढ़ाया जा सके, स्किल्ड जो यूथ है उनके ऊपर फोकस किया जा सके और ज्यादा स्किल प्रोवाइड कराया जा सके, और कैपेसिटी जो यहां पर खासकर इस पर्टिकुलर एरिया में तो उनको भी और ज्यादा फोकस देखा जा सके, खासकर अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनकी बारे में बात की जा रही है। यानी कि अर्बन इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो लार्ज स्केल पर यहां पर इंपैक्ट डाल सकता है, और इसके ऊपर हम लोग को पॉलिसी बनानी चाहिए और पॉलिटिकली हम लोग को डिबेट भी करना चाहिए कि कैसे इसको हैंडल कर चलना है। जैसे मैंने अभी बोला कि एक तरीके से इंजन ऑफ ग्रोथ यहां पर ये हो सकता है, ये मल्टीपल इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर जिस तरीके से अपोजिशन के द्वारा भी बोला गया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर अभी लेकर आए हैं, यहाँ पर जिनके द्वारा बोला गया कि लगभग 72,000 रुपए प्रोवाइड कराने हैं पर ईयर, ठीक है, यानी कि 6,000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इस तरीके के मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी इसके द्वारा भी एक ऐसी स्कीम प्रोवाइड कराएगी जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को और यूथ जो है खासकर अर्बन एरिया में उनको जो प्रोवाइड कराने की बात की गई है। नाम क्या है स्कीम का? यह युवा स्वाभिमान योजना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरीके के, आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब बात यह की जा रही है कि कैसे आप लोग इंप्लॉयमेंट गारंटी
प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आते हैं, अगर कुछ ऐसा लेकर आते हैं तो ये स्ट्रेंथ करेगा टाउन को, एक सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करेगा। और अभी रिसेंटली यहाँ पर ये अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक आर्टिकल छपा था जिसमें बोला गया था कि यहाँ पर स्ट्रेंथिंग द टाउन, तो आप लोगों को सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये कंप्लीट आर्टिकल का लिंक भी इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया था, ये लिंक अगर आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर इस लिंक को पोस्ट कर दूंगा मैं, ये कंप्लीट आर्टिकल आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी कि द हिंदू का आर्टिकल नहीं है ये, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर एक रिसर्च की गई, उसको पब्लिश किया गया इंप्लॉयमेंट के लिए कि कैसे आप लोग सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, तो जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात यहाँ पर यह की जा रही है कि नॉर्मली कि अर्बन में जो एरिया रहते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से, एक तो स्टैट्यूटरी राइट होना चाहिए वर्क का, यानी कि हम लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा, ग्रेजुएशन कर ली है तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी, एक तो ऐसा फोकस देकर चलना चाहिए। दूसरा ये लाइफ की गारंटी के बारे में बात करते हैं, अगर अच्छी अगर हमारे पास में जॉब रहेगी तो ठीक से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अगर जॉब भी नहीं है तो काफी कुछ प्रॉब्लम यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब होना काफी जरूरी है, अगर जॉब नहीं है तो फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आती है। जिस इंसान के पास में जॉब नहीं है उल्टी सीधी हरकतों में उसको संलिप्त कराया जा सकता है, इजिली उसको एक तरीके से माइंड वॉश करके उल्टे सीधे काम उससे कराया जा सकता है। इसी के साथ में जो यंग जनरेशन है अगर उसका अभी हम लोगों ने यूटिलाइजेशन नहीं किया तो आने वाले टाइम में जब एज बढ़ेगी तो बर्डन बनेगी हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ये भी बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। तो इसी के साथ में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके साथ में मिलकर काम करना चाहिए, खासकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, और इसी के साथ में डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए आप लोगों को काफी हद तक काम को, ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए प्रोग्राम आप लोगों को लेके आने चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करते हैं, यानी कि मनरेगा की हम लोग बात करते हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये बात ये निकल कर आती है कि वो गांव वाले एरिया में काफी सपोर्ट करता है क्योंकि वो गांव में एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात करता है। ऐसे आप लोगों को शहरों में इंप्लॉयमेंट गारंटी की बात करनी चाहिए, मनरेगा जैसी कुछ आप लोगों को लेकर आने चाहिए प्रोग्राम जो कि लगभग 100 डेज की गारंटी दें, और आप लोग क्या कर सकते हैं, रोड बनवा सकते हैं, फुटपाथ ब्रिज इन सबको रिपेयर करवा सकते हैं, इनके जो काम मनरेगा गांव वाले एरिया में करता है वही काम आप लोग यहां पर 100 डेज का इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के लगभग 500 रुपीज पर डेज के हिसाब से लोगों को यहां पर जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारी ग्रीन जॉब क्रिएट की जा सकती है, यानी कि जो पार्क वगैरह हो गए, ग्रीन स्पेस हो गया उनको मेंटेन रखने में, फॉरेस्ट वगैरह एरिया हो गया उसको मेंटेन रखने में, इसी तरीके से जो वेस्ट लैंड है कैसे यूज करना है, डिग्रेडेड लैंड को, वाटर बॉडीज को कैसे मेंटेन रखना है, बहुत सारी ऐसी जॉब है जो क्रिएट की जा सकती है अर्बन लोकल बॉडीज की हेल्प से, और उनको पर लेकिन उनके पास में फंड होना चाहिए, अगर फंड होगा तो तभी तो वो क्रिएट कर पाएंगे, तो उनको ढंग से ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, वो तमाम मुद्दे यहां पर निकल कर आते हैं। इसी के साथ में केयर डेफिसिट है, यानी कि चाइल्ड केयर की अगर आप लोग बात करते हैं, जो एल्डरली जो लोग हैं डिसेबल लोग हैं उनको भी जॉब प्रोवाइड करा सकती है, और उनके केयर की भी बात की जा सकती है, दोनों ही तरीके से इसको देखा जा सकता है, उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। और इसके तहत कंप्लीट जो यहां पर बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत कंप्लीट यहां पर सोशल ऑडिट होगा, जनता की हियरिंग होगी, इसके अलावा कंप्लीटली यहां पर जो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, यानी कि राइट टू टाइमली ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो भी जिसका ग्रीवेंसेस होगा, जो भी किसी की डाउट होगा उसका सॉल्यूशन यहां पर निकाला जाएगा आरटीआई एक्ट के तहत। तो ये इस तरीके से इसको हैंडल करके चल सकते हैं। इसी के साथ में ये बोला जा रहा है कि ये देखिए ऐसा नहीं है कि बस ये यहां पर इंप्लॉयमेंट ही इंप्रूव करेंगे, ये और भी काफी कुछ काम करेंगे, यहां पर लोकल डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस जो है वो बढ़कर निकल कर आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रेरणा मिलेगी लोगों को ताकि यहां पर बिजनेसमैन बन सके और ज्यादा लोग इसके बारे में सोचेंगे, एक स्किल वर्कफोर्स तैयार हो जाएगी, और इसी के साथ में एक सेंस होगा जो पब्लिक गुड्स है उनको कैसे यूज करना है, शेयरली हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका हम लोग को फायदा उठाना चाहिए, और ये टाइम भी है, यानी कहते हैं कि जब फल पका हो तभी खा लेना चाहिए वरना बाद में वो गल जाएगा, तो इस तरीके से जो यंग जनरेशन है उसका अभी हम लोग को यूज कर लेना चाहिए, बाद में काफी खतरनाक सिचुएशन बनेगी, यानी कि तब हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे जब टाइम हाथ से निकल जाएगा, तो अभी सही टाइम है हमको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। ओके, तो ये बात बोली गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है, बात करता है हमारी कंट्री के बारे में, वर्ल्ड क्या सोचता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है किसी कंट्री के साथ में, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर विजिट करते हैं, पॉलिटिकल और मिलिट्री कोऑपरेशन की भी कई बार बात की जाती है, पर लेकिन किस तरीके से वर्ल्ड हमारे बारे में सोचता है ये काफी बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि क्या परसेप्शन है लोगों का, जिस एरिया में यहाँ पर लोग हैं हमारी कंट्री के लोग क्या सोचते हैं, या फिर वर्ल्ड के लोग हमारी कंट्री के बारे में या हमारे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसी के बारे में छोटा सा एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। जब से हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म आए, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म आए, हमारी इकोनॉमी ओपन की गई, बाहर की कंट्री आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसीलिए बहुत सारी जो दुनिया भर की कंपनी है आज के में जो आप लोग देख रहे हैं एमएनसीज, जो भी आप लोग कंपनी के सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये सारी बाहर की कंपनी है, ये कहीं ना कहीं जो स्टार्ट किया गया ये यहीं से स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में आना।
अभी 25 मार्च को यहां पर एक रिसर्च की गई जिसमें बोला गया कि सर्वे किया गया कि इंडिया पास्ट में और आज के में किस तरीके से इंडिया को देखा जाता है। 27 कंट्रीज का व्यू यहां पर जाना गया। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे कि यूके हो गया, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, हमारी कंट्री की काफी जनता यहां पर रहती है। तो कहीं ना कहीं लास्ट 10 ईयर की अगर बात करें तो इंडिया का जो रोल है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफी सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया को इन पर्टिकुलर एरिया में। माइनॉरिटी यहां पर जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो बोलते हैं लेस इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर बोला जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पर लिटिल सरप्राइज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आज के डेट में इंडियन बिजनेसमैन, डायस्पोरा और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं, तो यहां पर ज्यादा जनता हम लोग को सपोर्ट करती है। पर लेकिन अगर ब्राजील, मेक्सिको, पोलैंड में जाएंगे तो वहां पर हम लोग को इतने ज्यादा सपोर्ट करते हुए लोग आप लोगों को नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर हमारी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है। सदर्न और ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करते हैं आप लोग तो यहां पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो यूएसए, रशिया और चाइना बहुत लार्ज स्केल पर आज के में इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अलग अलग एरिया का परसेप्शन अलग अलग है। रशिया का परसेप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। अफ्रीका में, खासकर कीनिया, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका में हमारा रोल काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी हम लोगों को काफी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसराइल की अगर बात करें वहां पर थोड़ा सरप्राइज है, इसराइल के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस और पॉलिटिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर लेकिन फिर भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक तरीके से अच्छा सपोर्ट इसराइल का नहीं देखने को मिलता है अगर उनकी लोकल कम्युनिटी की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें डिफेंस फील्ड में तो काफी इन सब फील्ड में काफी अच्छा रिलेशन है इसके साथ में। अगर हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशिया और पर्टिकुलर इंडोनेशिया के बारे में तो वहां भी कहीं ना कहीं हम लोग काफी अच्छे से काम करते हैं, तो मिक्स रेस्पॉन्स बहुत सारे एरिया में देखने को मिलता है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं काफी इंडिया की साख बढ़ी है कुछ टाइम में, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये एक एनालिसिस यहां पर किया गया इंडिया के बारे में कि अलग अलग एरिया में कि हमारी कंट्री की किस तरीके से हमारी कंट्री को देखा जा रहा है। देखिए ये तो कहीं ना कहीं बोलने वाली बात है कि पिछले कुछ समय में हमारी कंट्री की साख बढ़ी है, काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री को कुछ समझा जा रहा है, वरना इस तरीके से हमारी कंट्री को नहीं समझा जाता था जितनी इंपोर्टेंस आज के में मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं यहां पर पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो कि प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन है। अगर बात करें यूएसए की तो यूएसए के द्वारा यहां पर यह बात निकल कर आ रही है कि उन्होंने एक नया रिजोल्यूशन लाया जो मसूद अजहर है उसको टेररिस्ट एक्टिविटी की लिस्ट में डालने के लिए। चाइना ने यहां पर बोला है कि यूएसए गलत हरकतें कर रहा है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, यानी कि चाइना को मिर्ची लग रही है अगर यूएसए एज अ रिजोल्यूशन यूएन में लेकर आ रहा है। तो देखते हैं इस पर क्या सोल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि फ्राइडे को यानी कि आज शाम तक यहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन किया है या हनन नहीं किया है, यानी कि जो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है उसके बारे में जो ब्रॉडकास्ट देखने को मिला यहां पर रेडियो के ऊपर या टीवी के ऊपर, जो भी यहां पर बातें, भाषण, जो स्पीच इनके द्वारा दिया गया, क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हनन नहीं है? क्योंकि इन्होंने परमिशन ही नहीं ली इस तरीके की स्पीच देने से पहले। ये अभी ये समझ रहे हैं कि हाँ मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं जबकि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट इनके पास में है। तो ये मुद्दा है इलेक्शन का। तो देखते हैं क्या बातें यहां पर निकल कर आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा यह बोला गया है कि जो अभी राहुल गांधी जी के द्वारा स्कीम बोली गई 72,000 कि यहां पर ईयर मिलना चाहिए, तो देखिए ये स्कीम कहीं ना कहीं कैपेबल बनाएगी इंसानों को, यानी कि ये इंसानों को एक तरीके से उस इंसान जो कि खासकर हमारे सोसाइटी का बहुत ऐसा तबका है जिसके पास में कुछ नहीं है, अगर उसको 6,000 रुपये महीना मिल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। अभी पीएम किसान निकल के लेके आए, उन्होंने 6,000 रुपये साल के दिए, 6,000 रुपये साल का, तो सीधा सीधा ये समझ में आता है कि हाँ आप लोग वोट को लिभाने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन अगर 6,000 रुपये महीना आप लोग दे रहे हैं तो फिर ये एक अच्छी सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। ये सपोर्ट कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर भी यहां पर कि ये इंप्लीमेंट की जा सकती है, पर लेकिन फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट किया जाएगा वो सोचने वाली बात होगी, यानी कि पैसा कहां से आएगा ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि 20% जो पोरेस्ट पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन निकलता है। पर हां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी कि कहने का मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर डाल सकते हैं, ना कि 6,000 रुपये पर ईयर देना उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा किसी भी तरीके से, वो लुभावने वाली एक बात हो गई। तो ये भी एक अलग तरीके की बात है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया केरला के बारे में। केरला हाई कोर्ट ने 4 मेजर जो इको टूरिज्म सेंटर थे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में उनको बंद कर दिया है, यानी कि ये इकोलॉजिकली जो पर्टिकुलर एरिया है उस पर गलत इंपैक्ट डाल रहे हैं। कुरवा आइलैंड और इसी के साथ में काबानी रिवर, ये पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड भी यहां पर बात की जा रही है। यहां पर अब जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है, नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर ये डाल रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा बोला गया है कि आर्टिकल 35 जो है कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर वाले एरिया को काफी नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है, इसकी वजह से यहां पर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर के लोगों की एंट्री अलाउ नहीं की जाती है यहां पर काम करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए बहुत कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको हटा देना चाहिए। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है जो आप लोग जाकर देखते हैं आखिर क्या काम कर रहा है और कैसी सिचुएशन की जा रही है, तो डिटेल में डिस्कस किया गया है। यहां पर बात की जा रही है खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में 4th इथेनिक कल्चर मीट,
तो ये गुवाहाटी वाले एरिया में देखने को मिल रही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, बोला गया कि जो 10% रिजर्वेशन अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है उसको रिव्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लंबे समय तक ये पेंडिंग पड़ रहा लोगों को लार्ज स्केल पर अपॉइंटमेंट जॉब मिल जाएगी, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आएगी। यानी कि इससे पहले कि ये और बड़ा इशू बन जाए इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, अगर सही है तो इसको इंप्लीमेंट करो और नहीं सही है तो इसको हटाओ, और ज्यादा लेट करने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये प्रो थाई जो पार्टी की बात की जा रही है आर्मी, खासकर 2014 से लेकर अब तक यहां पर आर्मी रूल था, अब भी थाईलैंड में जो पार्टी जीत कर आई है वो आर्मी के सपोर्ट वाली ही पार्टी है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है, क्या सोल्यूशन निकलता है। इसराइल ने अनवील किया, यानी कि इसराइल ने खोजी यहां पर लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी साल्ट केव जिसमें नमक पाया जाता है, ऐसी केव यहां पर इसराइल के द्वारा खोजी गई है, तो एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था क्यूराकाओ, जाकर मैप में आप लोग निहार सकते हैं, ये पर्टिकुलर लोकेशन है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हमारी कंट्री होगी इसके कंपेयर में, ये यहाँ पर है लोकेशन। इसी के साथ में विलेमस्टैड जो है यहाँ पर कैपिटल है, और नीदरलैंड एंटिलीज जो गिल्डर ये इसकी एंटिलियन गिल्डर जो यहाँ पर इसकी करेंसी है, ये एक आईलैंड कंट्री है, ये इसका झंडा हो गया। ओके आगे बढ़ता हूं, ये है अब क्विज जिसका आप लोग अटेम्प्ट करने से पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। मिशन शक्ति जो कि एंटी सैटेलाइट मिशन है, एक मिसाइल लॉन्च की गई थी डीआरडीओ के द्वारा, ये कब लॉन्च किया गया यानी कि कब से इसको एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा रखा था कि हम लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट करना है, वो टाइम आप लोगों को बताना है। जेरूसलेम दो पार्ट में कैप्चर किया गया 1948 और 1967 इसराइल के द्वारा, ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है इसराइल और कौन सी कंट्री, ठीक है ये आप लोगों को बताना है। इसके साथ में यहां पर जो बात की जा रही है उस पॉपुलेशन का नाम बताना है जो मैक्सिमम गोलन हाइट वाले एरिया में पाई जाती है और वो सीरिया के लिए लॉयल है ना कि इसराइल के लिए, ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है। इसी के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर 45 साल का सबसे ज्यादा हाई देखने को मिला तो ये जो यहां पर पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट निकल कर आई ये किसके द्वारा तैयार की जाती है। स्वर्ण जयंती ये यहां पर शहरी रोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी जो कि स्किल्ड और यहां पर एंटरप्रेन्योर स्किल यहां पर प्रोवाइड कराती है खासकर अर्बन वाले एरिया में, तो ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई जो कि यहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड अर्बन यूथ को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात कर रही है। इसी के साथ में यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आप लोग बताना है कौन से हाईकोर्ट के द्वारा चार मेजर इको टूरिज्म सेंटर में एंट्री करने से मना कर दिया है। यहां पर आप लोगों को बताना है कि कहां पर लॉन्गेस्ट साल्ट लेक देखने को मिली, ठीक है ये केव देखने को मिली, तो ये कौन सी कंट्री में देखने को मिली तो ये बताना है, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, इसी के साथ में चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी कुछ अच्छी यहां पर चीजें जानने को मिलेंगी। इसी के साथ में टाइम मिलेगी तो किसी को पढ़ा दीजिए, आपका भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।